माय डियर स्टूडेंट क्लास फोर्थ, मैं रीता मिश्रा आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपको चैप्टर टू का बुक वर्क नोटबुक में लिखना बताएंगे। कैसे लिखना है आपको, कैसे राइट करना है, तो देखिए। जैसे कि सही उत्तर चुनो, क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके थ्री आंसर्स दिए हुए हैं, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें से छांट करके हमको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाथी कहाँ आया था। हाथी कहाँ आया था, बारात में, तो हमको बारात में टिक करना है। उसके बाद दूसरा देखिए, अंधे ने हाथी को देखने की इच्छा किससे प्रकट की, महावत से, राजा से या हाथी से, तो किससे की थी, महावत से। उसके बाद तीसरा देखिए, महावत ने अंधों को क्या कहकर संबोधित किया, तुलसीदास, रामदास, सूरदास, तीनों में से क्या कहा, सूरदास, तो हमको सूरदास पे टिक करना है। अंधों ने, चौथा देखिए, अंधों ने हाथी को किस प्रकार पहचाना, देख करके, सुन करके या टटोल टटोल करके, तो अंधों ने किस तरह जाना हाथी के बारे में, किस तरह पहचाना, टटोल टटोल करके। तो ये हमारे चार क्वेश्चन के ये चारों आंसर हैं, इसमें से जो सही है उसे हमें टिक करना है, ओके। उसके बाद क्या है, नंबर खा पे देखिए, रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। तो पहला क्या है, चारों आदमी क्या थे, अंधे थे, चारों आदमी अंधे थे। उसके बाद वे एक ही गांव में पैदा हुए थे, क्या हुए थे, एक ही गांव में पैदा हुए थे। हाथी के बारे में सुनकर वे क्या करने लगे, कानाफूसी, जैसे कि एक दूसरे से बात करने लगते हैं, कान में बोलने लगते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, तो क्या करने लगे, कानाफूसी करने लगे। उसके बाद नंबर फोर पे, महावत भैया हाथी को जरा क्या करना, संभाले रखना, संभाले रखना। उसके बाद नंबर फाइव पर, तीसरे अंधे ने क्या कहा, हाथी मटका जैसा है, क्या है, मटका, क्योंकि जो पांच तीसरा अंधा था उसके हाथ में क्या आया था, हाथी का पेट, तो उसे कैसा लगा हाथी, हाथी उसको लगा कि जैसे मटके के जैसा है, तो तीसरे अंधे ने क्या कहा कि हाथी मटका जैसा है। तो हमें क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक में पहले राइट करना है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हमें लर्न करना है, तो राइट भी करना है और आपको लर्न भी करना है। बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड।